दोस्तों देखिए, ये सॉइल मिक्सर हमारा रेडी है। दोस्तों सॉइल मिक्सर हमेशा पोरस होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए। उसके लिए आप कैसे इसको चेक करेंगे, आप ये देखिए कि जब भी आप इसको इकट्ठा करें तो ये इस तरीके से कुछ बिखरना चाहिए। अगर ये सॉइल मिक्सर आपका ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो पौधों को ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं करेगा और पानी को होल्ड करके रखेगा, जिससे हमारी जड़ें जो हैं वो फंगस लग के ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी जो है, आपकी सॉइल मिक्सचर जो है, वो आपका बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए और मॉइस्चर को होल्ड रखे, ना कि ओवर मॉइस्चर होने दें। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। और गमलों के नीचे जो ड्रेन होल्स है, उसको कवर करने के लिए आप कुछ इस तरीके से इंतज़ाम कर सकते हैं। ये दोस्तों ग्रीन नेट है, ये हर किसी के घर में यूज़ होती है। आप इसके छोटे छोटे कट करके और जो ड्रेनेज होल है उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ड्रेनेज का काम करता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जालीदार है और साथ ही साथ जड़ों को हवा भी लगने देगी। तो इसका मैं टुकड़े कट करके और पॉट के अंदर जमा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस सारे गमले जो है, इनमें मैंने ग्रीन नेट लगा के इनको रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर हमारा जो ये सॉइल मिक्सचर है, ये इसके अंदर फिल करेंगे और सारे प्लांट्स की हम ये जो ग्रो बैग्स है प्लास्टिक के, इनको कट करके इनमें रिप्लेस करेंगे। और चलिए दोस्तों, इनको मैं रिपोर्ट करके फिर आपके साथ में किस तरीके से कितने सुंदर लगते हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये इनके जो ग्रो बैग्स है प्लास्टिक के, इन्हें रिमूव करना ना भूलें। ये मैंने रिमूव कर दिया है इसको और अब मैं हमारे पॉट के अंदर इसको फिल करूँगा। तो ये जो मैंने हमारा जो सॉइल मिक्सचर है, इसमें मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने नीम खली भी ऐड कर दी है दोस्तों। अब मैं इसको इसके अंदर प्लेस करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी हेल्दी रूट्स है इस प्लांट की। अब इसको मैं सीधा सीधा इसके अंदर प्लेस कर दूँगा। ये देखिए, अब इसके चारों तरफ मैं जो हमारा सॉइल मिक्सचर है, इससे इसको कवर कर दूँगा। हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी रूट्स की, थोड़ा सा टैप कर दें ताकि अपना आप एडजस्ट हो जाए थोड़ा। ये देखिए, अभी हमारा प्लांट रिपोर्ट होकर रेडी है। ऐसे ही मैं बाकी सभी प्लांट्स को रेडी करता हूँ और फिर आपके साथ में वीडियो शेयर करता हूँ।